हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्योम वर्मा और आप देख रहे हैं वीवी गेम पॉइंट चैनल। और क्या आप लोगों को वो समय याद है जब हम पुराने गेम्स खेलते थे? नहीं, क्या आपको वो समय याद है जब हम एमुलेटर्स पे गेम खेलते थे, जिसमें एक एमुलेटर चलता था PS4 की तरह, की PS4 वाली गेम नहीं होती थी उसके अंदर, और एक एमुलेटर दिखता था PSP की तरह, लेकिन उसे PSP वाला कोई बात नहीं दिखती थी। और क्या आपको वो समय याद है जब हम वीडियो गेम्स खेलते थे? जी हाँ, वही वीडियो गेम्स जिसमें 2000 गेम्स लिखी होती थी, होती उसमें 30 भी नहीं थी, 30 से भी कम होती थी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए वही गेम्स लेकर आ गया, और आज हम उसी दिन को जीने वाले। जैसा कि आपको पता है, आज दिवाली है और चिल्ड्रंस डे भी है, तो चिल्ड्रंस डे के मौके पर आज हम खेलने वाले हैं उन ओल्ड गेम्स। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। मेरा नाम है व्योम वर्मा और आप देख रहे हैं अभी भी गेम पॉइंट चैनल। और सबसे पहले तो आप लोग को हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आज हम उन ओल्ड गेम्स को खेलने वाले हैं अपने मोबाइल पे, बिकॉज अब वो एमुलेटर का तो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो हम अपने मोबाइल पे खेलने वाले हैं और देखने वाले कि उन्हें गेम का एक्सपीरियंस कैसा था और उस समय को आज हम जीने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, तो क्या है इन गेम्स में और क्या है इन गेम्स की बात, ये सब मैं आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे वीवी गेमिंग पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी गेमिंग वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं गेम की बात वीवी वी के साथ। अगर तुम लोग भी इन गेम्स को खेलना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके इन गेम्स को खेल सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन गेम्स में आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने हिसाब से, यानी कि ना आप इसमें म्यूजिक बंद कर सकते हो, ना आप इसमें करेक्टर की स्किन्स ले सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते थे तब के टाइम में। लेकिन तब भी इन गेम्स को खेलने में काफ़ी मज़ा आता था। और अब हम खेलने वाले हैं कॉन्ट्रा। जी हाँ, अब मैंने देखो कॉन्ट्रा शायद 4 भी खेल रखी है, क्योंकि उसमें हेलीकॉप्टर से नीचे आता था बंदा, ये तो सीधा ही ऐसे आ जाता है। तो फिर चलो अब देखते हैं, अब कॉन्ट्रा की बात बताओ तो फिर मैंने थोड़ा खेल रखा है, देखो पता है। तो कॉन्ट्रा की बात बताओ तो फिर कॉन्ट्रा में मैं एक बार जीता हुआ हूँ, मतलब मैंने लास्ट टाइम इसको पार किया है, लेकिन वो एमुलेटर पे किया, तो यहाँ पे तो पार करना मुश्किल है। ओके, एम आर आर से क्या होता है, अब ये कई बार इतना ग्लिच हो जाता था इसमें कि बंदे आते रहते हैं, बंदा ऐसे बंदा मरेगा नहीं तो क्या होगा। अबे जाओ भाई, मेरे को आगे तो जाने दो। तो यही होता था हर बार। अब यहाँ पे मैं तो इन पुल को भी पार कर जाता था कुछ इस तरह से, कई लोग शायद नहीं कर पाते होंगे। तो इस गेम में यही बात थी कि एक गेम में एक दिक्कत ये होती थी कि इसमें जीतना मुश्किल था, वैसे आप पीछे भी नहीं जा सकते थे। बेटा तभी हम जंगल की गहराइयों में आ गए हैं, अब थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे थोड़ा बहुत तो ठीक खेल रहा हूँ, लेकिन अब दिक्कत ये है मेरे पास एक ही पावर है। नहीं नहीं नहीं, अबे यार। तो ये गेम कुछ इस प्रकार की थी, वैसे मैं एक बार और करने की कोशिश करता हूँ, तो एक बार हम और खेलेंगे। तो फिर से वहीं पे आ गए हैं। अबे यार, लेकिन मेरे को लगता है ये मेरे लिए नहीं बनी, मतलब इस पर बनी है, लेकिन मैं इसको खेल नहीं पाऊँगा। तो चलो अब क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे मैं चाइनीज चेस नहीं खेलने वाला अभी, क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये चाइनीज भाषा में मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब ये गेम है 1990s के टाइम की न्यू गेम। ओके,
कैसा है आजकल सिस्टम? अच्छा ओके, तो ये थोड़ा सा दिमाग वाली गेम है। ये गेम में मैं पहले होता हूँ, तो फिर इस गेम में कुछ भी बना लेता था। अरे कॉन्ट्रा की बात करो, कॉन्ट्रा में यही दिक्कत है कि इसमें आपको लाइफ कम मिलती है, तो इसलिए आप इसमें जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें आगे जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे आपकी लाइफ में भी शायद बढ़ती रहती है, क्योंकि मैंने इसको एक बार पार किया है, तो मैं उस पर किया एमुलेटर पे, तो एमुलेटर पे पार करना थोड़ा आसान है। जिसको हम लोग वीडियो गेम्स कहते थे उन एमुलेटर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस गेम में बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं तो ऐसे पहाड़ बना लेता था। क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था पहले इसमें करना क्या, वो तो बहुत बाद में पता चला। और मैं देखा था तुम्हें 8-9 साल बाद खेल रहा हूँ इन गेम्स को, तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस होने वाला है। और आप लोगों को इनमें से कौन सी गेम पसंद होगी? क्या आप लोगों ने खेली तो सारी होगी, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ना गेम खेल लो। जो जो खेली थी उनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद थी? जैसे मेरे को कॉन्ट्रा पसंद थी, उसके ऊपर मारियो पसंद थी, और भी कुछ गेम्स पसंद थी लेकिन वो गेम्स इसमें नहीं है, तो चलो अभी खेल लेते हैं। यह जो मैं इसे ना पाएगा, मैं इस गेम में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मेरे को पता है। और ये तो देखा जाए ये क्या बंदा है, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा। मैं क्या बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस वो ही जा रहा है। ये गलती से हुआ, चल जा छोड़। ये कुछ तरह की गेम है जो मेरे को कभी समझ में नहीं आई, तो बढ़ते अपने अगले गेम की तरफ। अगली गेम का जो है क्या है, सुपर मारियो। अब इस गेम की मैं बात बताऊँ तो फिर ये गेम काफ़ी अच्छी गेम है, और इस गेम की मैं कुछ फैक्ट भी बताऊंगा आप लोगों को, इसको देख के आप हैरान रह जाओगे। तो पहला फैक्ट है कि इस गेम में गेट टमाटर ऐसे बंदे आ जाते हैं। और ये जो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये जो मशरूम है इसको पहले हम आंटी समझते थे, एक मोटी आंटी जिससे हमें पावर मिलती थी, हमें नहीं पता था मशरूम है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इसमें जो बादल है और जो ग्रास है इन दोनों का टेक्सचर एक ही है, बस कलर बदल दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये देखो यही ऊपर बादल का है और यही नीचे ग्रास है। और इसके बाद तीन वाला भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे तीन वाले में भी यही सिस्टम है। अब मैं आपको एक राज बताने वाला जो आप लोग को बिल्कुल भी पता नहीं होगा, तो फिर वो राज है ये। एक्चुअली ये राज सबको पता है, बस मेरे को काफी देर बाद पता चला था। बस लेकिन जो लेवल 2 में आपको मैं राज दिखाऊंगा वो आपको पक्का नहीं पता होगा, लेकिन सच में वो है राज। ये तो मैं मजाक कर रहा था, चलो। अबे यार, अब इसमें कभी में से 1000 वाला झंडा नहीं हो पाया, हमेशा इसे 400-500 हो चुका हुआ है, लेकिन मेरा भाई कर लेता था। चलो अब यहाँ पे तो हो चुका है, ऐसे पटाखे फूटते थे कि वही भाई को ही करना था, तो ओके 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 पहली बार मेरे से फूटे है, तो ये कुछ बटन दबा के होता होगा, वैसे ही फटा फूटा लेकिन पता नहीं। अब इस लेवल में एक राज है जो मैं आपको बताऊंगा, तो पहले तो इन दो हरे बंदों को मार लेते हैं। एक इसमें टाइम लिमिट का चक्कर होता था जो काफ़ी दिक्कत होता था। अभी मेरा बटन चल नहीं रहा था। ओके मैं बड़ा हो गया, अब ये जैकपॉट था। यहाँ पर हमने जैकपॉट भी पूरा कर लिया। ओके अब इसमें बतख को मारने का ये बेनिफिट। ओके ये
तो चलो एक और बतख को मार आया। और ये आया एक और, चलो ठीक है सबके साथ होता है। मुझे किसी भी तरह गन चाहिए यार। तो यहाँ पे उतने पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो आ गए कि मैं वापस से छोटा बन चुका हूँ। एक्चुअली में यहाँ पे भी कहीं पे कुछ मिलता है, ये देखो। ओके कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे वो राज है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अब मेरे को जो बताना, ये राज आप लोगों को पता था या नहीं? जी हाँ, ये यहाँ पे लोग सीधा सीधा इस ग्रीन पाइप में चले जाते होंगे, लेकिन मैं उनमें से नहीं था। यहाँ पर आप शॉर्टकट तरीके से सीधा आप दूसरे लेवल पे जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको जाके दिखाने वाला हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे मेरे पास हेल्थ एक ही है। अब इस लेवल में जो बात है वो यही है कि आपको यहाँ पे भागना है बस, बिना देखे उठे ऐसे चीज़ों को देखना पड़ेगा। बस भागते रहो, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं करना, बस भागते रहो। अब तो भाग में लिखा, कुछ नहीं लेना भैया हमें, वरना मरेंगे। अच्छा काफी अच्छा खेल रहा मैं। ओके बहुत मुश्किल है। चल चल चल, लगता है पहुंचने वाले। ओके काफ़ी मेहनत से पहुँचे, मुझे पता है काफ़ी छोटा है इसमें, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो नहीं, मेरे पास गन की पावर थी। मेरे ख्याल से गन से हम इसके कांटों को मार सकते थे। अब मेरे को याद नहीं है कहाँ पहुँचाया गया। मेरे ख्याल से ड्रैगन पे पहुँचाया गया, पहले ड्रैगन पे नहीं। तो एक दूसरा लेवल है, अगर आपको लग रहा है वही है तो ऐसा नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि इसमें से कहीं पे कुछ मिलता है या नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद खेल रहा हूँ। चलो कुछ तो मिला। ओके यहाँ पे यही दिक्कत है ना। यहाँ पे भी मिलता है, देखो ये यहाँ का याद है। तो भाई खूब यहाँ से टकरा के मिले, मिल रहे टकरा के। अब यहाँ पे ये बेल ऊपर जाती है, लेकिन चलो अभी बेल पे जाने का मतलब समय नहीं है। मैं जो शॉर्टकट रास्ते से देखने वाला हूँ कि हम कहाँ तक जाते हैं। मुझे लगता है हम इसमें भी कहीं सीक्रेट जगह पहुँच जाएंगे। ओके यहाँ पे हम शायद जा सकते हैं इसके अंदर। तो इस गेम में काफ़ी अच्छा हूँ मैं, तुम लोगों को दिख रहा है। 1 हेल्थ है खाली मेरी, बस ये झंडा ही नहीं कर पाता ना, क्या हो गया। चलो पता से बोल लो। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी भी 1 हेल्थ है, 2 लेवल पार कर दिए, ये कोई कम बात थोड़ी है भाई। ओके यहाँ पे बतख को मार है। तो मैं इसको जब तक खेल रहा हूँ जब तक मैं जीत रहा हूँ। हार गया बात का तो चलो दूसरी गेम। अच्छा मेरे पे एक मौका और है।
वही तो मैंने कहा था, इसमें पहल बढ़ती है, पावर्स बढ़ती है। और ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, ऐसे इतना ऊंचा डंडा नहीं रखना था, और रखा तो फिर बताना चाहिए था कैसे करना है, तो अगली गेम खेलते। अब यहाँ पे है टैंक 1991। अब इसकी मैं बात होता, तो इसमें जो ब्लैक ब्लैक बॉम होता है क्या होता है मेरे को खुद को नहीं पता अभी तक, लेकिन उसको मैं खुद ही फोड़ लेता था। और यहाँ से आप इसका लेवल भी चेंज कर सकते हो, ये देखो इस तरह से, लेकिन मैं नहीं करने वाला, मेरे को आता है करना, लेकिन ऐसे 50 लेवल थे। अब इसमें यहीं से लेवल चेंज कर सकते थे, तो ये जो काला काला जो चिड़िया सा है इसको खुद ही फोड़ लेता था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि इसकी हमें रक्षा करनी है। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके ठीक है, ओहो मेरे को इसकी कई शक्तियों को याद भी नहीं है। तो यहाँ पे तो ये काफी अच्छा खेल लूंगा अभी तक। ओके उधर ज्यादा पड़ेगा, उधर कोई पावर है, चल वे चल रहा। ओके ठीक, इसने फोल दिया आखिरकार। देखिए भी हमने काफ़ी अच्छा खेला देखा जाए तो, बढ़ता अगले गेम की तरफ। अब यह है कम बैट। अब इस गेम में ये प्रॉब्लम है कि जो मोबाइल पे खेल रहे हैं इसमें इसकी शक्तियों का पता नहीं चल रहा है, मतलब हम हेलीकॉप्टर बुला सकते थे इसमें, लेकिन यहाँ पे हम बुला नहीं पाते पता नहीं क्यों। ये मेरे को बहुत अच्छी पावर लगती थी, सब मेरे अंदर आ जाओ भाई, बात ही खत्म हो जाए। चलो हेलीकॉप्टर आ गया, हम भी बुला सकते थे हेलीकॉप्टर, पर मेरे को याद नहीं आ रहा मैं बुलाना कैसे था, क्योंकि वीडियो गेम में तो बटन याद था, इसमें बटन याद नहीं आ रहा। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। इनको खा जाने में फायदा होता है क्योंकि ये वहाँ पे आगे चल के बाधा बनते हैं हमारी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं काफी अंदर तक आ गया हूँ। ओके जा भी नहीं रहा अभी तक, मैं को मार के गया वो। फिर पकाएंगे लोग, तो चलो दूसरे गेम खेलते हैं। अब ये है एंटार्कटिक एडवेंट। चल अब इसमें क्या है, ये अभी खुद चल रहा है एक्चुअली में। तो इसमें क्या है कि इसे हमें पेंगुइन को उसके घर तक पहुँचाना होता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता जब पेंगुइन अपने घर एक दिन में जाए एक घंटे में जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें टाइम लिमिट होती थी, आई डोंट नो क्यों। और ये जब इसका ये जो भालू सा है जो भी है, तो फिर ये मतलब जब इसको पता है कि वो जा रहा है तो इसको तभी क्यों निकल रहा होता है, पहले से निकल रहा चाहिए, लेकिन नहीं ये भी बाद में निकलेगा। चलो कोई नहीं,
अपनी तरफ से पूरी स्पीड मैप कर रखी है। ओके चलो। ओ भाई यार तुम लोग ही कर सकते हो। मैं कल तो नहीं रखता। चलो उसका घर कहाँ है भाई? चल आ जा इसका घर। चल इसका घर तो आया। तो हमने इसको घर पहुँचा दिया। ऑस्ट्रेलिया में इसका घर है। वाओ हम यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए हैं। अगला घर देखते इसका कहाँ पे। ये तो वही जगह लग रही है। ऑस्ट्रेलिया में बर्फ पड़ती है क्या? ओके ओके मैंने अपनी स्पीड तो बढ़ा रखी है। तो यहाँ पे देख लीजिए। मेरी स्पीड बढ़ी हुई है। बस इस बार पहुँच जाए। ऐसे गड्ढे बनवाए क्यों है? मुझे ये नहीं समझ आता कि ये चल 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 आ गया घर आ गया। चल 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 मैं कल तो बहुत पहले पहुंच गए। चलो इस बार फ्रांस में इसका घर था। चलो अगला देखते घर कहाँ है इसको। अब तो शाम हो गई है। तो चलो देखते हैं। लेकिन मुझे अब तक ये नहीं समझ में आया एक घर एक दिन में पहुंचे एक घंटे में पहुंचे इसमें टाइम लिमिट क्यों है? मतलब इसको कौन सा भोली चल के जाना है शादी के लिए? तो ये मैं कभी तक समझ में नहीं आया। क्या चलो हमारा काम तो पहुंचाना है इसको तो हम पहुंचा देते हैं। बेटा बजरंगी भाईजान को टाइटल मिल जाती है मेरे को। चलो यहाँ पे देखते हैं। ओके क्या इस तरह की प्रोग्रेस तुम लोगों में है? मैं इस गेम में बहुत अच्छा था एक्चुअली में। ओके मेरे को लगता है मेरे को मेरी नज़र लग गई है। चल फिर से घर पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया भाई इसके यही दो तीन घर है क्या? मेरे को लगता है इसके यही गेम में दो तीन घर है। तो इस बार अगर नहीं हो पाएगा इस बार वही जगह है ना मैं बदल दूंगा। कोई भी सेम जगह है तो गेम। बस मैंने अभी दो घंटे का जंप किया तुम लोग को दिखा क्या? इससे क्या होता है? वो डोरेमोन का बैमोकॉप्टर। इस बार लगता है हम हारेंगे। वैसे हारना भी चाहिए। Thank you.
उन दोनों में कहा भाई मुकोप्टर गया है, इसका इतना सा यूज है। वाह ओके सो हम आ देंगे पक्का इस बार, ऐसा पक्का हम हारेंगे। तो हम हार चुके फाइनली, चलो दूसरी गेम देखते हैं। तो इस गेम का नाम है सर्कस, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा था एक्चुअली में। ओके लाइट चली गई तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये कप से मैं हमेशा जलाऊँ इसलिए कप के मेरे को डर रहता है, बाकी इन सर्कल कल नहीं डर रहता। ये पोर्शन किस चीज़ का है? देखा मैं कहा था कब से चलता हूँ मैं, ये पोर्शन किस चीज़ का था मेरे को समझ में नहीं आता। सकते कुछ गेम्स के म्यूजिक इतने प्यारे लगते हैं और कुछ गेम्स के म्यूजिक इतने इरिटेटिंग लगते थे मेरे को कि मन करता था मैं उनको बंद कर दूँ। तो लाइट हम कही है यहाँ पे, चलो देखो बेटा ये पुराने सब में नहीं होती, लगातार चल सके। ओके अब थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं ज़्यादा ऊँचा चल गया चला, हम काफ़ी पास में। अच्छा ऐसे पैसे है, शेर भेड़िए जैसा क्यों दिखता है इनको इन लोगों का। ओके लास्ट स्टेज है, ओहो शेर ने स्केट मारी, वाह बेटा अगर यूट्यूब में चला सर्कस में चला रहूँगा मैं तो, काफ़ी अच्छी कमाई है इसमें भी। ओ इन बंदर उसे क्या धंधा, इसमें एक पीली बंदा आता है उससे डरने वाली बात होती है, बाकी किसी से डरने की कोई बात नहीं है। ओके यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा था मैं, बिकॉज वो उछल भी सकते हैं। 30 मीटर पे हूँ मैं अभी, मेरे को लगता है मैं कोई हेल्प वहीं से स्टार्ट हो गया है। अरे यार ये पीछे नहीं हुआ ना, मैं कर रहा था ये पीछे कर रहा था बटन दबाने में से। चलो दूसरी गेम पे आते हैं। अब इस गेम का म्यूजिक इतना बोरिंग लगता है मेरे को, आखिर गेम मेरे को उसमें आपको दो कैरेक्टर्स को संभाल रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि आपके दोनों कैरेक्टर्स मिल पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखो इस तरह से गेम है, ये चुप करे, तो ये हो गया हमारा। तो उस जमाने में ये सब चलता था गेम के अंदर, तुम समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा तो से जगह पे आ गए। तो इसको तो मरवा दिया हमने, अब देखते हैं क्या सीन है। तो हमने ये लेवल भी क्रॉस कर लिया है, तो ये बोनस लेवल एक्चुअली में। ओके उधर क्या है? ओके जो भी था हट गया क्या? तो यहाँ पे चीज गए हम, चलो
अरे यार इसमें कंट्रोल करना मुश्किल है। ये तो कंट्रोल बेकार है। चलो यही बेकार गेम है इसमें। चलो दूसरे गेम पे आते हैं। तब हम बॉम्बर मैन पे तो चलो देख लेते हैं। अब बॉम्बर मैन की बात करूँ तो बॉम्बर मैन में मैं 7 लेवल तक पहुँचा हूँ। मैं भाई 17 लेवल तक, लेकिन दिक्कत ये कि उसका कोड वो याद रखता था, एक्चुअली मैं बुक में लिख लेता था और वो बाद में खेलता रहता था उन कोड से। ओके ये गेम ऐसे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। चलो ये पहले से पचा हुआ है, यहीं पे शुरुआत करते हैं। अरे यार इसमें प्लान सही था, देखा दोनों मरते। चलिए तो गया। ओके मैंने खेला ये वाली गेम। अब इस गेम का मेरे को स्टोरी लाइन इतनी बोरिंग लगती है, स्टोरी लाइन मतलब म्यूजिक, ये क्या बताऊँ। तो ये आइस मैन इस गेम का नाम है। वैसे तो मेरे को किस का हथौड़ा मैन होना चाहिए था। चलो चलते हैं, इसको मारना पड़ेगा। चलो भाई क्या कर रहा है। कहीं तो चला। ओके ये गेम काफी मुश्किल एक्चुअली में। ओके उन लोगों ने मेरे को जमा दिया है। किस गेम में ये अच्छी बात होती थी कि ये गेम आपको से शुरुआत करने को देती थी। हाँ सुपर मारियो की एक बात बताओ कि मैंने सुपर मारियो को पिकाचू वर्जन में भी खेला है, तो मैं ये बताना चाहता। ओके ठीक है हम हार गए। ये गेम है गैलेक्सी करके। अब इसमें आपको तो ये गेम काफी अच्छी गेम लगती थी। तो चलो मर। ओके इन लोगों ने मेरे को मार दिया।
उससे पावर्स भी तो मिलती है, वो पावर्स ही नहीं मिल रही। और ना फिर मैं ग्रोथ करता समझते हूँ। चलो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। ओके यहाँ पे भी हम हार गए। एक्चुअली में ये गेम मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मैं खेल के दिखा रहा हूँ बस। तो यहाँ पे वही वाली बात है, एक तो एक ग्लिच होता था इसमें कि आप सीधा ही दूसरे लेवल पहुंच जाते थे बिना कुछ जगड़े झगड़े। वाह तो मैं निंजा तोड़ी आ गया हूँ। ओके निंजा तोड़ी की बैंड बज गई है, वाह एक ही बार में बैंड बज गई, वाह। तो थोड़ा कार रेसिंग खेलने का वक्त आ गया, तो चलो खेलते हैं। हम यहाँ पे मैं थोड़ा प्रोनेस देखना, तुम लोग वैसे ज़्यादा प्रोनेस है नहीं, पर फिर भी मैं गड्ढों में हार रहा हूँ हमेशा। ओए हाँ ये वाली से मेरे को याद आया, मैं भूल गया था कि इस गाड़ी को लेना होता है, इससे आपका टाइम बच बढ़ता है। बेटा ये चीज़ करना बहुत मुश्किल होती है, वरना अभी तक लोग आ जाते हैं। अरे गाड़ी, मेरे को गाड़ी लेनी थी यार, इसलिए रुका था। ये गड्ढे रेस ट्रैक पे है क्यों, मुझे ये नहीं समझ आया अभी तक। बेटा कम टाइम है, चल चल चल। वो गाड़ी कहाँ गई जो हमें टाइम देती है। ओके एक बार एक्सीडेंट हो चुका हमारा, और अब वो गाड़ी भी नहीं मिल रही। चल मिल। ओके मैं हार गया, तो ठीक है इसमें तो हार गया मैं, चलो कोई नहीं। वैसे हम यहाँ तक पहुँच गए थे जो काफ़ी अच्छी बात है। तो ठीक है गाइस, ये थी वो गेम्स, क्योंकि अब वापस से पुरानी गेम्स आनी शुरू हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। और आप लोगों को हैप्पी दिवाली एक बार दोबारा से, और हैप्पी चिल्ड्रन से। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी गेम इनमें सबसे अच्छी लगी, और आप कौन सी गेम सबसे ज़्यादा इनमें से खेलते थे, अगर खेलिए तो बाय।